नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली रियलमी ने यहाँ पे तबाही लॉन्च कर दिया। तबाही अगर बोले तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, पावर बैंक हो गया, टीवी हो गया, रियलमी का स्मार्ट वॉच हो गया, जी हाँ स्मार्ट वॉच, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लॉन्च किया। लेकिन जो मेन हाईलाइटेड यहाँ फीचर्स थे, जो दो प्रोडक्ट्स थे, वो थे यहाँ पे रियलमी का स्मार्ट वॉच जो कि रियलमी कहता है, और रियलमी का टीवी। अब ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो आए हैं, अब ये दोनों प्रोडक्ट का थोड़ा हम लोग यहाँ पे अभी छानबीन कर लेते हैं। टीवी के सेगमेंट में अगर हम बात करें तो टीवी नो डाउट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। आपको 22,000 के प्राइस में यहाँ पे 24 वॉट का स्पीकर मिलता है जो कि डॉल्बी डीटीएस को सपोर्ट करता है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं। अगर हम बात करें तो स्पीकर की साउंड की क्वालिटी काफ़ी लाउड होगी, वही टिपिकल जो मी के टीवी में प्रोसेसर्स यूज होते हैं वही सारी चीज़ें हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सारे बटन्स, शॉर्ट कट कीज आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल टीवी मुझे ठीक लगा, 43 इंच का है 22,000 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं है। एचडी रेडी वाला भी आपको मिल जाता है 12,000 समथिंग प्राइस में। तो दोनों ही टीवी के मामले में तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। पावर बैंक भी थम्स अप, काफी बढ़िया है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर यहां पर मैं सैमसंग वॉच की बात करूं या फिर एप्पल के आईफोन जो आई वॉच आते हैं आई सीरीज वाले, मैं उनकी बात करूं, आप उन्हें स्मार्ट वॉच ही कहते हैं ना? जी हाँ, तो डेफिनेटली हम उन्हें स्मार्ट वॉच ही कहते हैं। तो स्मार्ट वॉच का मतलब जो होता है, ये कंपनीज दिनों दिन बदलते जा रही है, इसका मतलब ही बदल रही है। अपने हिसाब से ये लोग कुछ भी प्रोडक्ट्स लाते हैं और मार्केट में हमारे सामने परोस देते हैं। अब स्मार्ट वॉच अगर आप देखिए, स्मार्ट वॉच जो होते हैं, स्मार्ट वॉच वो होते हैं जहाँ पर आपको एक फ़ोन का ऑलमोस्ट एक 1/3 वाला हिस्सा मिल जाता है, जहाँ पर आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर हम बात करें कॉल कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं। इसे हम स्मार्ट वॉच कहते हैं जो स्मार्टली हैंडल करता है। रियलमी ने जो लॉन्च किया, मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है 3,999 रुपये में। एक ब्रांड वाला अगर हम बात बोले तो एक ब्रांड वाली फीलिंग आ जाएगी 4,000 रुपये में, आपको एक बड़ा डिस्प्ले के साथ होगा। आई थिंक रियलमी को स्मार्ट वॉच की जगह रियलमी वॉच अगर सिर्फ नाम रखता तो काफ़ी बेहतर होता, क्योंकि स्मार्ट वॉच वाली इसमें कोई भी फंक्शंस नहीं है। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये फिटनेस बैंड, बस इसी फिटनेस बैंड को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ एक बड़े साइज वाले डिस्प्ले में, तो वो वही है रियलमी का स्मार्ट वॉच, क्योंकि वो सारे फीचर्स फिटनेस बैंड वाले ही उसमें हैं जो कि आपको फिटनेस बैंड के अंदर देखने को मिलते हैं। नो डाउट सबके अलग अलग हैं, अब कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होंगे तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें तो फिर हुआवे का यहाँ पे बैंड आता है, रियलमी का खुद का यहाँ पे बैंड आता है, यहाँ पे मी का बैंड आता है, ये सारे फीचर्स जो है बैंड वाले ही उसके अंदर है। लेकिन यहाँ स्मार्ट वॉच के जो फीचर्स होते हैं ना, वो कोई भी स्मार्ट वाला फीचर इसके अंदर नहीं है। इसे स्मार्ट वॉच क्यों कह रहा है रियलमी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर ये स्मार्ट वॉच है तो सैमसंग के जो आते हैं महंगे वाले स्मार्ट वॉचेस, एप्पल के आते हैं, तो इनका तो मतलब भी बदल जाएगा कि भैया तो फिर अगर ये स्मार्ट वॉच 4,000 रुपए में, तो फिर वो क्या है। अगर इसे रियलमी वॉच करके इसे सामने परोसा जाता तो दिस वुड बी रियली ग्रेट। प्रोडक्ट काफी बढ़िया है, नॉट बैड एट ऑल। डिस्प्ले साइज बड़ी मिल जाती है आपको, और लिटरली आई एम हैप्पी कि यहां पर रियलमी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट ला रहा है। इससे क्या होता है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन बनता है, रियलमी, रेडमी, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड और आएंगे तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक सिर्फ MI यहां पर रूल कर रहा था इंडिया में, लेकिन अभी रियलमी भी यहां पर भरकर उभर करके आ रहा है, धीरे धीरे बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट ला रहा है, तो एक अच्छा चीज है, कॉम्पिटिशन आता है। और यहां पे सबसे अच्छी चीज है कि रियलमी ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट में घुस चुका है। तो बैंड के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सॉरी स्मार्ट वॉच के बारे में, कि ये स्मार्ट वॉच कहना चाहिए या फिर रियलमी वॉच कहना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट वाली कोई भी खूबियां इसके अंदर नहीं है। अब बात कर लेते हैं टीवी पे वापस से। तो टीवी यहां पे बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और रियलमी ने आते ही एक अच्छा स्टेप किया है यहां पे कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए, कि इन्होंने एक साल की सिर्फ वारंटी नहीं दी है, एक साल और एक्सटेंड करके दिया है, जहां पे अगर डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम होती है तब भी आपका डिस्प्ले रिप्लेस किया जाएगा। तो कूडोस टू फॉर दिस टू रियलमी, काफी बढ़िया है और प्रोडक्ट सब अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ नाम में लगता है मुझे थोड़ा बहुत यहां पर रियलमी ने गलती कर दी है। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।